कोड 22 स्वराज। क्लच एंड ब्रेक, क्लच पैडल एडजस्टमेंट, कोड 22 स्वराज। मशीन में क्लच मैकेनिकल लिंकेज द्वारा ऑपरेट किया जाता है। क्लच की दीर्घायु तथा ये लंबे समय तक काम करता रहे, इसके लिए क्लच पैडल का फ्री प्ले सही होना बहुत जरूरी है। क्लच पैडल का फ्री प्ले समय समय पर चेक करते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे एडजस्ट भी करना चाहिए। क्लच पैडल का फ्री प्ले 15 से 20 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। आइए इसे एडजस्ट करने की प्रक्रिया समझते हैं। फ्लोर बोर्ड के ऊपर एक फ्लैट प्लेट रखें, एक स्केल लें, प्लेट के ऊपर इस प्रकार रखें और क्लच पैडल की ऊंचाई मापें। ये देखिए, पैडल की ऊंचाई 140 मिलीमीटर आ रही है। अब क्लच पैडल को हाथ से हल्का दबाएं, जब तक पैडल की फ्री मूवमेंट है। अब पुनः स्केल द्वारा क्लच पैडल की ऊंचाई मापें। ये देखिए, पैडल की ऊंचाई 130 मिलीमीटर आ रही है। दोनों संख्याओं का आपसी अंतर 10 मिलीमीटर है और ये क्लच पैडल की इस वक्त की फ्री प्ले है, जो कि अनुशासित संख्या 15 से 20 एमएम से कम है। इसे एडजस्ट करने के लिए इसकी टाई रॉड की लंबाई जरूरत अनुसार एडजस्ट करें। टाई रॉड के दोनों लॉकिंग नट ढीले करें। और टाई रॉड की लंबाई एडजस्टिंग नट द्वारा घटाएं। अब पुनः स्केल द्वारा क्लच पैडल की ऊंचाई मापें। ये देखिए, पैडल की ऊंचाई 122 मिलीमीटर आ रही है। अब एडजस्टमेंट के बाद दोनों संख्याओं का आपसी अंतर 18 mm आ रहा है और ये क्लच पैडल एडजस्टमेंट के बाद की फ्री प्ले है, जो कि अनुशासित संख्या 15 से 20 मिलीमीटर के अंदर है। फ्री प्ले एडजस्ट होने के पश्चात एडजस्टिंग नट को दोनों तरफ से लॉक कर दें। ध्यान रखें, क्लच पैडल का फ्री प्ले कम या ज्यादा होने पर क्लच प्लेट का नुकसान होगा तथा मशीन की कार्यक्षमता भी प्रभावित होगी। ब्रेक पैडल एडजस्टमेंट, ब्रेक सही काम करती रहे और इसके पुर्जों की दीर्घायु बनी रहे, इसके लिए ब्रेक पैडल का फ्री प्ले सही होना बहुत जरूरी है। ब्रेक पैडल का फ्री प्ले समय समय पर चेक करते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इसे एडजस्ट भी करना चाहिए। ब्रेक पैडल का फ्री प्ले 10 से 15 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। आइए इसे एडजस्ट करने का सही तरीका समझते हैं। दोनों ब्रेक पैडल को आपस में जोड़ने वाला लॉक खोल दें। फ्लोर बोर्ड के ऊपर एक फ्लैट प्लेट रखें। एक स्केल लें और प्लेट के ऊपर इस प्रकार रखें और ब्रेक पैडल की ऊंचाई मापें। यह देखिए, पैडल की ऊंचाई 73 mm आ रही है। अब ब्रेक पैडल को हाथ से हल्का सा दबाएं, जब तक पैडल की फ्री मूवमेंट है, और स्केल द्वारा ब्रेक पैडल की ऊंचाई मापें। यह देखिए, पैडल की ऊंचाई 47 mm आ रही है। दोनों संख्याओं का आपसी अंतर 26 mm है और ये ब्रेक पैडल की इस वक्त की फ्री प्ले है, जो कि अनुशासित संख्या 10 से 15 mm से ज्यादा है। इसे एडजस्ट करने के लिए इसकी टाई रॉड के दोनों लॉकिंग नट ढीले करें।
और टाई रॉड की लंबाई एडजस्टिंग नट द्वारा बढ़ाएं। अब पुनः स्केल द्वारा ब्रेक पैडल की ऊंचाई मापें। यह देखिए, पैडल की ऊंचाई 60 mm आ रही है। अब एडजस्टमेंट के बाद दोनों संख्याओं का आपसी अंतर 13 mm आ रहा है। ये ब्रेक पैडल एडजस्टमेंट के बाद की फ्री प्ले है, जो कि अनुशासित संख्या 10 से 15 mm के अंदर है। फ्री प्ले एडजस्ट होने पर एडजस्टिंग नट को दोनों तरफ से लॉक कर दें। इसी प्रकार दूसरे ब्रेक पैडल का फ्री प्ले भी एडजस्ट करें। ब्रेक पैडल का फ्री प्ले ज्यादा होने पर ब्रेक कम लगेगी और यदि फ्री प्ले कम हो तो पहिए जाम हो सकते हैं। इससे ब्रेक गर्म होगी और ब्रेक लाइनर्स भी खराब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि दोनों ब्रेक पैडल की फ्री प्ले बराबर हो, वरना दोनों पहियों में असामान्य ब्रेक लगेगी और इससे दुर्घटना भी हो सकती है।